मॉर्निंग बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की किताब गणित का जादू जो चौथी कक्षा के लिए पब्लिश की गई है उसके पाठ 9 आधा और चौथाई की कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी दो बिल्ली और एक बंदर के बारे में है। मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली दोस्त थे। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई। इसे मैं लूँगा, मिंटू ने कहा। नहीं, इसे मैं लूँगी, मोटू ने कहा। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब वहाँ टीटू बंदर आया। अरे लड़ क्यों रहे हो, क्या समस्या है, उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें। तब टीटू ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूँगा। चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा कि एक टुकड़ा छोटा रह गया और एक टुकड़ा बड़ा। ये बराबर नहीं है, बायां भाग ज़्यादा बड़ा है, मिंटू और मोटू ने कहा। ओह कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा, कहकर टीटू ने बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया। अब देखो क्या अब ये बराबर है। अरे अब दायां भाग ज़्यादा बड़ा है, बिल्लियों ने चिल्ला कर कहा। मुझे माफ़ करना, ऐसा कहकर टीटू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा, ये मेरे काम की मेहनताना है। टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया।